चलिए भाई और सजा में बैठ करेंगे starting today's first day, so we are like very excited and sunny looking gorgeous. This time we gave different looks and different color pop, and which is amazing this time. And people love it. She worked with your music album. Yeah, Naj Baby super hit also, and like Demo Sir and Sunny also, like it's a very nice music video. And being the first label and the first song of the label, it's reached like 22 million plus. Yeah. That's like, I think it's incredible. Yeah, now my other than music video, I definitely used to love to work with them. Yeah, very nice. Yeah, the poster is also looking really nice. Very nice. Very good. Very, very nice. Very, I saw the poster. Sure. Yeah. Yeah, apna sapna money. Come, bite the big bag,
किया सो आप लोग आए हो सपोर्ट करने के लिए क्या वांट टू डू लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द एंटायर टीम एंड वी हैव हर्ड अबाउट हार्दिक बिफोर सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस It's been a groovy song. Yeah. It has that Arabic sense of music and that. I think Hardik has done a brilliant job. And Kaatuch excited. I think soon we are coming with a new song. Yeah. Chennai. Yeah. So yeah, today we are going to announce that. And it's also very like, you know, wedding kind of music. Wait, 2 minutes. Continue. So we're gonna have a nice variation of this Arabic song, and then this romantic number and this wedding thing. So it's gonna be a lot of variety for you guys. I hope you'll like it. Thank you. Yes, please go now. Of Chennavi as well be going by DJ Hardik. So I'm looking to see how the cast will be. किस तरह का गाना देखने मिलेगा? क्या कुछ होगा storyline के बारे में? अगर कुछ अगर पता है? Storyline, I think I completely trust Haganesh. So I call him brother. Because definitely I give him credit. He's the only person who supported me a lot. Yeah. So I he's like my brother. So I completely trust him. And I didn't know that एक song है. आज आए वो हार्दिक गाना आने वाला है नया क्या क्या किस तरह की उम्मीदें लेके ये सॉन्ग आने वाला है कुछ बताना चाहूँगा सो अगेन एज यूजुअल हार्दिक हैज बीन गिविंग अ बैंगर्स बैक टू बैक इट्स अगेन या हबीबी एंड डीजे हार्दिक अगेन के हार्दिक कुछ बताइए सभी और बनने वाले रिमिक्सेस धीरे धीरे जैसे ये लोग सॉन्ग प्रोड्यूस करेंगे वैसे मैं रिमिक्स बना दी जाऊंगा तो बना ही दिया और मैं कुछ भी बनाऊंगी यू गाइस विल कंसीडर एज अ पॉन ओनली
सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग दीस डेज और बस आई एम डूइंग वेल एरोटिक यही बिकता है आजकल क्या देखो ना देयर वाज एन ऐप मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ सिर्फ 1.5 करोड़ में लॉन्च हुआ था एंड इट्स नॉट इवन 4 ईयर्स नाउ 1550 करोड़ की मार्केट कैप है उस ऐप की लोग और क्या देख रहे हैं यही देख रहे हैं तो मैं क्यों ना बनाऊँ नहीं नहीं मैं भी नहीं बताऊँगी मैं भी चाहती हूँ कि वेबसाइट वालों को कुछ इश्यूज हो जाएँ सो इट्स टू अर्ली यू नो बट या आई एम डूइंग वेल एरोटिक कंटेंट ही मैं बना रही हूँ हैप्पीली और थैंक्स टू मीडिया कि आप लोग वायरल करते रहते हैं मेरे कंटेंट को मैं अपने आप को फिट में रहने रखने के लिए बहुत सोती हूँ मैं बहुत खाती हूँ मैं कोई जिम नहीं करती मैं कोई योगा नहीं करती और मैंने आज तक कभी भी कोई वर्कआउट नहीं किया यार ये आप लोगों की नज़रें हैं ऐसा लग रहा है इसके अलावा आपने भी राज कुंद्रा में काफ़ी कुछ कहा था हाल फिलहाल में जो काफ़ी समय हो चुका है अब राज कोई भी इवेंट में मास्क पहन के जाते हैं आप क्या मजा होगी और उस फाइट के बारे में क्या कहना मैं यही कहना चाहूँगी कि राज के पास बहुत अच्छा कलेक्शन है मास्क का ऐसा पहनता रहे और सेकेंड इफ आई टॉक अबाउट साजिद तो अगर जो लड़कियाँ कीचड़ उछाल रही हैं या जो लोग कॉमेंट कर रहे हैं वो खुद कितनी शरीफ है यार पता है बहुत ईजी होता है किसी पे कमेंट करना किसी पे गलत एलिगेशंस लगा देना किसी को गलत कह देना लेकिन आप खुद कौन हो मतलब आई शुडंट से दिस बट जो लोखंड वाला आदर्श नगर में 2 कौड़ी के दल्ले घूम रहे होते हैं उनके स्टेटस में आपकी पिक्चर्स लगी होती हैं जैसे वो हर माल 10 रुपये का बिकता है वैसे 2 लाख में ले लो 2 लाख में ले लो उस तरीके से ये लड़कियाँ यहाँ वहाँ घूम रही होती हैं और ये लड़कियाँ साजिद खान पे एलिगेशंस लगा रही हैं पहले खुद तो शरीफ हो जाओ दूसरे को बदनाम करने के पहले बात खड़ा